अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां आपने लड़ाई झगड़ों से लेकर अलग अलग विवादों में एफआईआर के कई मामले देखे और सुने होंगे। लेकिन एमपी में एक दुल्हन का मेकअप बिगड़ने पर ब्यूटी पार्लर की ब्यूटीशियन पर केस दर्ज किया गया है। मामला जबलपुर का है, जहां एक दुल्हन अपनी शादी के लिए मेकअप कराने एक ब्यूटी पार्लर गई थी। दुल्हन के परिवार वालों का कहना है कि ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीशियन ने दुल्हन का मेकअप नौसिखिया मेकअप आर्टिस्ट से करा दिया। मेकअप तो बिगड़ा ही गया, ब्यूटीशियन ने हमारे साथ अभद्रता भी की, हमें धमकाया, जाति सूचक शब्द कहे। इधर पार्लर संचालक मोनिका पाठक का कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। सभी आरोप बेबुनियाद है। दुल्हन 3 दिसंबर को मेकअप कराने आई थी, इसी दिन उसकी शादी थी। शादी के 2 दिन बाद दुल्हन के परिवार और समाज के लोगों ने कोतवाली में पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने ब्यूटीशियन पर धमकाने और अभद्रता के आरोप में केस दर्ज किया है। मंगलवार को सेन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दुल्हन का परिवार कोतवाली थाने पहुंचा। उन्होंने बेटी का मेकअप बिगाड़ देने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर ब्यूटी पार्लर संचालिका मोनिका पाठक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंगलवार को सेन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दुल्हन का परिवार कोतवाली थाने पहुंचा। उन्होंने बेटी का मेकअप बिगाड़ देने के संबंध शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर ब्यूटी पार्लर संचालिका मोनिका पाठक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ब्यूटीशियन और पार्लर संचालक मोनिका पाठक का कहना है कि इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। वह उसके पास अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स उसे सेलिब्रिटी का पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि सेलिब्रिटी के जैसे मेकअप कर दीजिए, 3,000 रुपये में ये कैसे संभव है, वह 5 साल से काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए हर क्लाइंट बराबर है। अपनी नौसिखिए लड़की जो भी थी उससे बोल दिया मेकअप करवाने के लिए, उसने मेकअप किया, इनका वेट करते रहे कि ये आएंगी, इनका वेट करते हम लेट भी हो गए बारात में वापस जाने के लिए। ये मैडम बिल्कुल नहीं आई, मेकअप इतना गंदा करवाया कि किसी हमारे समाज में और बदनामी हुई कि इतनी सुंदर लड़की का तुमने कहाँ से मेकअप करवा लिया। हमारे पास हर एक कैटेगरीज के मेकअप है, तो जस्ट हम उनको वही प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप 15,000 देंगे ये मेकअप होगा, इतना मेकअप होगा। बट क्लाइंट का क्या रहता, उनको 2-3 हज़ार में ही आपको ऐश्वर्या राय बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस संबंध में एक ज्ञापन कल सेन समाज के द्वारा दिया गया है, जिस पर एफआईआर की जा रही है। पाठक मैडम, थोड़ी बातचीत में तो पकड़ पाया, क्योंकि महिला संबंधी मामला है, हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर राजरानी इस मैडम को देख रही हैं, उनके द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया जाकर इस पर कार्रवाई। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।